सरकारी कर्मचारियों को लगा जोर का झटका, महंगाई भत्ता पर सरकार ने दिया ये बयान। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का साल में दो बार इंतज़ार रहता है। यह वह भत्ता है जो इनके बेसिक में जुड़ जाता है और सारे अलाउंस जो प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं वह इसके आधार पर भी मिलते हैं। ऐसे में जनवरी माह का महंगाई भत्ता का सरकारी कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं और माना जा रहा था कि होली से पहले सरकार यह घोषणा कर देगी, लेकिन अभी तक यह घोषणा नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारियों को अभी भी इसका इंतज़ार है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में डीए का मुद्दा आएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकलेगी। फिलहाल यह मुद्दा जस का तस है और कोई आधारिक जानकारी इसके बारे में बाहर नहीं आई है। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीनों का भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के करीब 34,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया। दरअसल कोरोना महाकाल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें नहीं दी गई थीं। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत नहीं दी गई। सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में बजट घाटा FRBM एक्ट के प्रावधानों की तुलना में 2 गुना है, इसलिए यह डीए देने का प्रस्ताव नहीं है। इससे साफ है कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इस खबर से जोर का झटका लगा है और उनकी एरियर मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब देखना है कि क्या बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या डीए का मुद्दा आता है या फिर अभी यह और टाला जाएगा।